हेलो एवरीवन। तो महेश बर्नवाल की ज्योग्राफी में अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, और चैप्टर फर्स्ट में हमने यूनिवर्स और सन के बारे में पढ़ा, यानी कि ब्रह्मांड और सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमें इस वीडियो में ग्रहों के बारे में पढ़ना है। तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, अतः ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण इसके अपवाद हैं तथा ये सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। सूर्य से निकटता के कारण ये भारी पदार्थों से निर्मित हुए हैं, जबकि बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं, जो हल्के पदार्थों से बने हैं। आकार में बड़े होने के कारण इन ग्रहों को ग्रेट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। सौरमंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के बहते क्रमों में विवरण निम्नानुसार है। तो सबसे पहले है बुध। तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतर ग्रह या इंटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है, 560 डिग्री सेल्सियस है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। परिमाण में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मेरिडन 10 था, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नासा द्वारा वर्ष 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर 30 अप्रैल 2015 को बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। अब आते हैं शुक्र ग्रह की तरफ। तो यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूरब की दिशा में दिखाई देता है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90-95% तक है। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। बुध के समान इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब आते हैं पृथ्वी की तरफ। तो यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पांचवा स्थान रखता है। यह सूर्य और मंगल ग्रहों ग्रह के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। यह अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आते हैं मार्स के बारे में जानते हैं। तो यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और मंगल ग्रह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे संबंधित। तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? तो 22.79 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी। इसका व्यास कितना है? तो 6794 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में करता है? जो 686.98 दिन में ये करता है। इसकी घूर्णन गति कितनी है? तो 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। इसका घनत्व कितना है? तो 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है मंगल ग्रह का, तो पृथ्वी का 0.38। इसका सतह का तापमान कितना है, तो 87 डिग्री सेल्सियस से लेकर -87 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस तक। इसके दो उपग्रह हैं कौन कौन से, तो फोबोस और डीमोस। वायुमंडल में इसके क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन इसके वायुमंडल में पाए जाते हैं। अक्षीय झुकाव इसका कितना है, तो 25 डिग्री। मानवीय मिशन यानी कि मंगल ग्रह पे कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, तो मैरिनर 4, मार्स पाथ पाइंडर, मार्स ओडिसी, फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मावेन और मंगलयान जो कि भारत का है। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लगातार कई मिशन भेजे जाते रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। सर्वप्रथम मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह यहाँ बर्फ क्षेत्रकों और हिमशीतित जल की सूचना मिली थी। मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नवंबर 2011 में मार्स साइंस लेबोरेटरी या मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया। 6 अगस्त 2012 को नासा का यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर ग्रेट क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। वर्तमान समय में यह नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संदेश, फोटो और अन्य सूचनाएं भेज रहा है। 18 दिसंबर 2015 को क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह का सिलिका का भंडार खोजा है। 2006 से सक्रिय अंतरिक्ष यान मार्स रिकॉनेसियंस ऑर्बिटर से ली गई तस्वीरों के अध्ययन से पता आधार पर नासा ने 28 सितंबर 2015 को मंगल ग्रह पर जल प्रवाह की घोषणा भी की। नासा द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि मंगल पर खारे पानी की बहती धाराएं उपस्थित हैं। मंगल ग्रह पर वायुमंडल के अध्ययन के लिए नासा ने एक अन्य मिशन मावेन, जिसका कि फुल फॉर्म होता है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन, जिसे मावेन कहा जाता है, तो 18 नवंबर 2013 को यह प्रक्षेपित किया था, जो 22 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया। नासा ने अगले 25 वर्षों में जर्नी टू मार्स मिशन के तहत मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की त्रिस्तरीय योजना तैयार करने की घोषणा की है। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C-25 के माध्यम से किया गया, जो मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत मार्सियन इलीट क्लब, जो कि अमेरिका और रूस का यूरोपीय संघ है, उसमें शामिल हो गया। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में ये शामिल हो गया, जिसे मार्सियन इलीट क्लब कहा जाता है। टाइम पत्रिका ने भी मंगलयान को वर्ष 2014 के 25 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में जगह देते हुए इसे द सुपर स्मार्ट स्पेसक्राफ्ट की संज्ञा दी। इसरो के अनुसार मंगलयान का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी नियंत्रित मुक्ति चालन, मंगल की कक्षा में प्रवेश तथा कक्षीय चरण में सुरक्षित रहने एवं कार्य निष्पादन की क्षमता के साथ अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान का डिजाइन और निर्माण करना था। इससे वैज्ञानिक उद्देश्यों ने मंगल की सतह तथा उसके वातावरण का अन्वेषण शामिल है। मंगल ग्रह की भौगोलिक, जलवायुवीय एवं वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मंगलयान पर 5 वैज्ञानिक नीति भार स्थापित किए गए। मंगलयान ने 24 सितंबर 2015 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। तो पीछे हमने एक टेबल छोड़ दिया है जिसमें पृथ्वी के बारे में कुछ विविध तथ्य दिए गए हैं। तो पृथ्वी की आकृति क्या है, तो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोइड के फॉर्म में है। अक्ष ध्रुवीय व्यास इसका कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी का कितना है, तो 12,765 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितना है, तो 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि पृथ्वी की है 40,075 किलोमीटर। इसका द्रव्यमान है 5.97 × 10⁴ टन। जलीय भाग पृथ्वी का लगभग 71% है। स्थलीय भाग पृथ्वी का लगभग 29% है। इसका आयतन कितना है, तो 10.83 × 10⁻¹⁰ घन किलोमीटर। औसत घनत्व पृथ्वी का देखें तो 5.52, जो कि पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, तो 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल कितने हैं,
धरातल के क्षेत्रफल के बारे में दिया है कि 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है जो इसके धरातल का क्षेत्रफल है। परिभ्रमण समय इसका कितना है तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। परिक्रमण समय यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन दिया गया है तो परिभ्रमण यानी कि रोटेशन ये करता है सूर्य अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, और परिक्रमण समय यानी कि सूर्य के चारों ओर ये कितने समय में घूमती है पृथ्वी तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। परिक्रमण वेग कितना है तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है तो 96 करोड़ किलोमीटर है। इसके सूर्य से न्यूनतम दूरी तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से अधिकतम दूरी पृथ्वी की है 15.21 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से माध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड, चंद्रमा से दूरी कितनी है पृथ्वी की तो 384,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है तो 11,033 मीटर जो कि मरियाना ट्रेंच है जो कि डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। तो अब आते हैं बृहस्पति ग्रह की तरफ। मंगल ग्रह हमने पढ़ लिया है, अब आते हैं हम बृहस्पति ग्रह की तरफ। तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। सौर मंडल में इसके 67 उपग्रह हैं जिनमें गैनीमेड जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्मथिया आदि इसके अन्य उपग्रह हैं। तो जो बृहस्पति है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जो गैनीमेड है यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र या मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। अब शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह या रहस्य इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है जिनकी संख्या 7 है। यह वलय अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। शनि को गैसों का गोला या ग्लोब ऑफ गैसेस एवं गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि ग्लोब ऑफ गैसेस या गैलेक्सी लाइक प्लानेट शनि ग्रह को कहा जाता है। आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान दृष्टिगत होता है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। अब तक इसके 62 उपग्रहों का पता लगाया जा सका है। तो शनि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिया गया है। तो सूर्य से शनि की दूरी कितनी है 142.66 करोड़ किलोमीटर। अक्षीय झुकाव इसका कितना है तो 26 डिग्री 73 मिनट है। घूर्णन गति इसकी है 10 घंटा 34 मिनट। सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 29.5 वर्ष। इसका घनत्व कितना है तो 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी गुरुत्वाकर्षण कितनी है तो 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके उपग्रह कितने हैं तो 62, जो कि टाइटन है जो वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका तापमान कितना है तो इसका तापमान 178 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं। शनि के वलयों की संख्या कितनी है तो 7 है, जो इसके चारों तरफ रिंग्स होते हैं जिन्हें वलय कहा जाता है, तो ये 7 है। मानवीय मिशन जो कि शनि पर भेजे गए हैं वो है कैसिनी मिशन और पायनियर मिशन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर है। मंगल ग्रह की भांति यह नारंगी रंग का है। टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों बराबर हैं। इसके अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसीलाडो, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। इसमें फोबे शनि की कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आँखों से देखा जा सकता है। अब आता है अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस। तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्सेल द्वारा की गई। यह सौर मंडल का 7वां तथा आकार में 3rd ग्रह है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं।
यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और शनि की ही भांति काफी सघन है, यानी कि जो शुक्र और अरुण ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमते हैं, बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं। तो वीनस और यूरेनस, अरुण और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अपवाद हैं, जो सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और शनि की ही भांति काफी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया है। दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफी ठंडा है। शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय हैं, जिनकी संख्या 5 है और ये हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इसके 27 उपग्रह हैं। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व की दिशा में होता है। ध्रुवीय प्रदेश में इसे सूर्य से सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है। अब अरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। तो इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। यहाँ का वायुमंडल अति घना है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान रहती है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके 13 उपग्रह हैं, इनमें टिट्रोन और मेरिट प्रमुख है। प्लूटो, तो यम या कुबेर यानी कि प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम बैग ने की थी तथा इसे सौर मंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था, परंतु 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया। सम्मेलन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसा ठोस पिंड जो अपना गुरुत्व करने लायक विशाल हो, गोलाकार हो एवं सूर्य का चक्कर काटता हो, ग्रहों के दर्जे में आएगा। साथ ही इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। तो प्लूटो के साथ यह समस्या हुई कि इसकी जो सूर्य के चारों ओर घूमने का जो अक्ष था वो दूसरे ग्रह यानी कि वरुण या नेपच्यून की कक्षा से ओवरलैप करता था। तो इस वजह से इससे ग्रह की जो उपाधि मिली थी इसे छीन ली गई। सिरोस, सेरोन और एरिस को ग्रह मानने के विचार को भी अस्वीकृत कर दिया गया। नई परिभाषा में इन चारों को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया या ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। इस प्रकार अब सौर मंडल में मात्र 8 ग्रह रह गए हैं। नासा द्वारा सौर प्रणाली की बाह्य सीमाओं पर अवस्थित ड्वार्फ ग्रह प्लूटो तथा इसके चंद्रमाओं एवं क्षुद्र ग्रह बहुल क्षेत्र क्यूपर बेल्ट के अध्ययन हेतु भेजा गया अंतरिक्ष अन्वेषण यान न्यू होराइजन्स जुलाई 2015 में अपनी यात्रा पूरी कर प्लूटो के निकट पहुंचा। यह प्लूटो और इसके 5 चंद्रमाओं सेरोन, हाइड्रा, निक्स, कार्बेरोस एवं स्टाइक्स का अन्वेषण कर आंकड़े और चित्र पृथ्वी पर संप्रेषित कर रहा है। ग्रहों के बाद अब आता है उपग्रह। तो उपग्रह क्या है? तो ये वो आकाशीय पिंड है जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती, अतः ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ भी परवलयाकार या पैराबोलिक होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। सुपरमून, तो चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 384,000 किलोमीटर है। चूंकि चंद्रमा परवलयाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसी कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी बदलती रहती है। सुपरमून की वह स्थिति है जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। 27 सितंबर 2015 को विश्व के अनेक भागों में सुपरमून चंद्र ग्रहण की परिघटना देखी गई, जिसमें सुपरमून और चंद्र ग्रहण दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। ऐसा सन 1982 के बाद पहली बार हुआ। ब्लू मून, तो ये क्या होता है? तो यह एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल का 31 दिनों से कम होना है। ऐसा हर 2-3 साल पर होता है।
जुलाई 2015 में ब्लू मून की स्थिति देखी गई। जब किसी वर्ष विशेष में दो या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 जो था वो ब्लू मून ईयर होगा जो कि अभी बीत चुका है। अब ब्लड मून किसे कहा जाता है? तो लगातार चार पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून या ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। चार पूर्ण चंद्र ग्रहणों को टेट्रॉड भी कहा जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालता है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून या रक्त चंद्र कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण दुर्लभ होते हैं। सामान्यतया तीन चंद्र ग्रहणों में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है। किसी स्थान पर एक दशक में चार से पाँच ग्रहण की खगोलीय घटना घटित होती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण का श्रृंखला पहला चंद्र ग्रहण 14 से 15 अप्रैल 2014 को, दूसरा 7-8 अक्टूबर 2014 एवं तीसरा 4 अप्रैल 2015 को हुआ। 4 अप्रैल 2015 को सदी का सबसे छोटा पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। अब चंद्रमा से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। तो पृथ्वी से मध्य दूरी चंद्रमा की कितनी है? 384,365 किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है चंद्रमा की? तो 406,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 364,000 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि कितनी है चंद्रमा की? तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड। चंद्रमा की घूर्णन अवधि अपने अक्ष पर कितनी है? तो यह है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड। यानी कि जो घूर्णन अवधि और परिभ्रमण कार्य दोनों ही चंद्रमा के एक ही होते, इस वजह से हम चंद्रमा के दोनों ओर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर भी एक ही समय में घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी एक ही समय में घूमता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अनुपस्थित है। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान के अनुपात में, तो 1:81.30 है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में। घनत्व पानी के सापेक्ष कितनी है? तो 3.34। घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष में चंद्रमा की कितनी है? तो 0.6058। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग कौन सा है? तो 0.41%। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई तो 35,000 फीट पर है, और लिबिनिच पर्वत जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। अब चंद्रयान 1, तो भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए अपने पहले चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट को रवाना किया। बंगलुरु में स्थित स्पेस क्राफ्ट कंट्रोल सेंटर द्वारा 5 बार ऊपरी कक्षाओं में स्थानांतरित किए जाने के बाद 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस प्रकार अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान और चीन के बाद भारत चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला 6ठा देश है। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। चंद्रयान फर्स्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मिनिएचर सिंथेटिक एपरेचर, रडार, मून मिनरोलॉजी मेपर आदि कुल 11 अत्याधुनिक उपकरणों से लैस पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग के जरिए चंद्रमा की तस्वीरें देखी जा सकेंगी। यह चंद्रमा की सतह और वातावरण का संपूर्ण रासायनिक मानचित्रण करेगा तथा उसके मृदा, खनिज, बर्फ, ऊष्मा, मौसम आदि की जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर बर्फ होने की जानकारी दी है। इसने चंद्रमा की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 1.2 किलोमीटर लंबी गुफा या लावा ट्यूब की जानकारी भी दी है, जिसका तापमान हमेशा लगभग -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रकार यह लावा ट्यूब चंद्रमा की सतह के तापमान की विषमता एवं गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों से वैज्ञानिकों का बचाव करेगी। चंद्रयान पर नजर रखने के लिए बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई है। अब चंद्रयान सेकंड के बारे में, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने 16 अगस्त 2009 को चंद्रयान 2 का भी डिजाइन तैयार कर लिया। यह भारत का चंद्रमा के लिए दूसरा अंतरिक्ष मिशन है होगा, यानी कि यह बुक पहले लिखा गया है तो इस वजह इसमें फ्यूचर टेंस के जैसे आपको सेंटेंस मिल रहे हैं, जबकि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हो चुका है
उसके बारे में आप सबको पता ही होगा। जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन का उन्नत संस्करण है। चंद्रयान टू मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भी शामिल होंगे। इसे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाले GSLV-MK3 के माध्यम से संयुक्त रूप से 500 किलोमीटर की अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान टू का अभियान का वैज्ञानिक लक्ष्य ऑर्बिटर पर मौजूद वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से चंद्रमा की व्युत्पत्ति का विकास के बारे में हमारी समझ में सुधार करना तथा लैंडर एवं रोवर का उपयोग करते हुए चंद्रमा के चट्टानों का अध्ययन करना है। अब आते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो विभिन्न देशों ने अनेक कृत्रिम उपग्रह भी स्थापित किए हैं जो पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा से साम्यता स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। सामान्यतः दूरी संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों का परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है। ये भूमध्य रेखा को एक निश्चित स्थानीय समय पर ही पार करते हैं जो सामान्यतः प्रातः 9 से 10 बजे होता है। सुदूर संवेदी उपग्रहों के द्वारा पृथ्वी के एक परिभ्रमण में सुदूर संवेदन किया जाने वाला क्षेत्र स्वात कहलाता है। विभिन्न उपग्रहों में यह प्रायः 10 से 100 किलोमीटर चौड़ी धरातलीय पट्टी होती है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः यह उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा के क्रम में क्रमशः पश्चिम के भाग को बिना कवर किए आगे बढ़ जाते हैं। इसी कारण पूरी पृथ्वी को कवर करने हेतु कई सुदूर संवेदी उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। दूर संचार उपग्रह भू स्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने के कारण ये स्थिर से प्रतीत होते हैं। इसी कारण इन्हें भू स्थैतिक उपग्रह भी कहा जाता है। समस्त पृथ्वी को एक साथ कवर करने के लिए न्यूनतम 3 भू स्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट भारत की प्रथम समर्पित बहुतरंगधारी अंतरिक्ष वेधशाला है। खगोलीय शोध को समर्पित यह वेधशाला पृथ्वी की निचली निकट भूमध्य रेखीय कक्षा में लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। एस्ट्रोसेट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत अब अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ के ऐसे विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रिक उपग्रह का प्रक्षेपण। तो विश्व के प्रथम इलेक्ट्रिक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 2 मार्च 2015 को स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा के केप कैनवरल से किया गया। स्पेस एक्स रॉकेट अपने साथ 2 वाणिज्यिक विद्युत उपग्रहों को ले गया। यह उपग्रह फ्रांसीसी उपग्रह प्रदाता एटुलसेट और एशिया प्रसारण उपग्रह के संयुक्त स्वामित्व में है, जिससे अमेरिका में अपनी सेवा का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। अब उल्कास्म और उल्कापिंड। तो ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है। धूल और गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। प्रायः पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म या मेटर्स कहते हैं। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। पुच्छल तारे या धूमकेतु। तो ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। पुच्छल तारा के शीर्ष को कोमा कहते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। हेली पुच्छल तारा भी इन्हीं में से एक है। यह 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौर मंडल में लगभग 1,00,000 धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। अब क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। इनकी अनुमानित संख्या 40,000 है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। यद्यपि इस संबंध में कुछ अन्य मत भी दिए गए हैं। जापान के हायाबुसा अंतरिक्ष यान ने हाल ही में इवेकावा नामक क्षुद्र ग्रह के मिट्टी के नमूने को पृथ्वी तक भेजने में सफलता हासिल की है।
पृथ्वी से क्षुद्र ग्रहों की संभावित टक्कर को रोकने के लिए नासा ने अक्टूबर 2015 में एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के अंतर्गत रोबोट से युक्त एक ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण किया जाएगा जो पृथ्वी की ओर आने वाले क्षुद्र ग्रहों की दिशा को परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। नासा ने 12 अप्रैल 2015 को अंतरिक्ष में स्थित एक क्षुद्र ग्रह 316-201 का नाम मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा है। तो ये हमने चैप्टर फर्स्ट को ख़त्म कर लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, जो कि चैप्टर 2 है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।